हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 12 जो कि सेकंड पार्ट का है। इसके वन मार्क्स क्वेश्चंस एमसीक्यूज के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले आपके 2020 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और पिछली वीडियोस आ गई हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व की हुई, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू डैश इज कॉल्ड मार्केट। आज पुराने जमाने की अगर हम पहले की बात करें तो उस जमाने में, उस टाइम में जो मार्केट होता है उसे मार्केट को हम क्या कहते थे? तो ऑप्शन है ए एक्चुअल बायर, बी पॉसिबल बायर्स, सी द ग्रुप ऑफ एक्चुअल एंड पॉसिबल बायर्स, डी स्पेशल प्लेस। तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा, वो होगा डी स्पेशल प्लेस। मार्केट एक स्पेशल प्लेस थी, लेकिन अगर हम आज की बात करें आज के समय में तो आज के हिसाब से जो मार्केट है वो स्पेशल प्लेस नहीं है, बल्कि जहाँ पर एक्चुअल बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं जहाँ पर, वो मार्केट कहलाती है। जैसे ऑनलाइन मार्केट भी हो गया, ई मार्केट हो गया, ये सब भी। लेकिन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी स्पेशल प्लेस। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है डैश इज कॉल्ड मार्केटर। कि आखिर मार्केटर है क्या, कौन होता है मार्केटर? तो जो ऑप्शंस हैं वो है ए सेटिस्फेक्शन सीकर, बी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर, सी सेलर, डी सर्विस प्रोवाइडर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर, क्योंकि जो मार्केटर होता है वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडर होता है, ना कि सेटिस्फेक्शन सीकर और ना कि सेलर और ना ही सर्विस प्रोवाइडर, बल्कि जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है वो मार्केटर कहलाता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कस्टमर इज द डैश ऑफ मार्केट। ये क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शंस हैं ए किंग, बी सर्वेंट, सी सिंपथाइजर एंड डी सेलर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मूवी में भी देख चुके हैं आप, मेड इन चाइना मूवी है, उसमें भी आंसर आपने देखा होगा इसका, कस्टमर इज अ किंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए किंग, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। मार्केट के लिए जो कस्टमर होता है वो किंग होता है, राजा होता है मार्केट के लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता है। जो उसे वो डिमांड करता है मार्केट वही चीज़ बनाता है, जिस चीज़ को वो डिमांड से हटा देता है, जिस चीज़ को नहीं चाहता मार्केट भी उसे हटा देता है। तो कस्टमर जो होता है वो किंग होता है, राजा होता है मार्केट का। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो है डैश स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। थिंग्स को प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है? जब हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको बना तो लिया है, लेकिन अब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी प्रोड्यूसिंग के बाद से? तो जो ऑप्शंस हैं वो है बी बाइंग, बी सेलिंग, सी मार्केटिंग, डी प्रोड्यूसिंग। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी सेलिंग, क्योंकि प्रोडक्शन करने के बाद जो थिंग्स हैं उसे हम सेल करना स्टार्ट करते हैं, सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी सेलिंग। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है विद द ऑनसेट ऑफ थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग द थिंग्स द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट्स। जो हमारे दिमाग में प्रोड्यूसिंग करने के बाद जो वो थॉट्स आते हैं वो कौन से आते हैं, कौन से होती है? तो उसे कहते हैं, ऑप्शन होता है ए बाइंग, बी सेलिंग, सी मार्केटिंग, डी एडवर्टाइजिंग। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, ओ सॉरी, इसका आंसर होगा वो होगा सी मार्केटिंग। अब आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे। तो सिक्स क्वेश्चन है डैश पॉइंट ऑफ व्यूज लेस स्ट्रेस अपॉन द कस्टमर्स वेलफेयर। इनमें से किस पॉइंट के अंदर कस्टमर के वेलफेयर के लिए स्ट्रेस लिया जाता है, मतलब किस तरह कस्टमर का वेलफेयर करना है, उस पॉइंट के बारे में बात की जाती है कस्टमर्स वेलफेयर के बारे में। तो ऑप्शन है ए प्रोडक्शन, बी प्रोडक्ट, सी मार्केटिंग, डी सोशल मार्केटिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी सोशल मार्केटिंग, क्योंकि सोशल मार्केटिंग के अंदर कस्टमर्स के लिए वेलफेयर किए जाते हैं और उनके लिए स्ट्रेस लिया जाता है। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। तो सेवेंथ क्वेश्चन है डैश इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू इन द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यूज।
इनमें से कौन सा सेंट्रल पॉइंट है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेन पॉइंट है इनमें से कौन सा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है ए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बी कस्टमर्स वेलफेयर, सी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक ऐसा मेन पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कस्टमर को किस तरह हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको कस्टमर्स को लिए वेलफेयर करो, क्वालिटी वॉल प्रोडक्ट्स दो एंड एक्सेट्रा। अब आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन पे। तो एट्थ क्वेश्चन है प्रोडक्ट आर नॉट परचेस बट सोल्ड विद विच पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट एसोसिएटेड। प्रोडक्ट को परचेज नहीं बट सोल्ड करना है, मतलब हमें प्रोडक्ट को खरीदना नहीं है बल्कि सेल करना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ऐसा स्टेटमेंट रखा जाता है, ऐसा स्टेटमेंट सोचा जाता है। तो ऑप्शन है ए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, बी सेलिंग कॉन्सेप्ट, सी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, एट्थ का होगा बी सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये नहीं सोचा जाता कि हमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, बट ये सोचा जाता है कि हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, सोल्ड करना है। अब आते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो जो नाइन्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज इज नोन एज डैश, मतलब यूटिलिटीज का कलेक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है ए परचेजर, बी सेलर, सी प्रोडक्ट, डी मार्केट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी प्रोडक्ट, क्योंकि जो यूटिलिटीज का कलेक्शन होता है वो एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट में होता है यूटिलिटीज का कलेक्शन। तो नाइन्थ का आंसर होगा सी प्रोडक्ट। अब आते हैं टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है। तो ऑप्शन है ए प्रमोशन, बी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सी ट्रांसपोर्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से सारे ही मार्केटिंग के फंक्शन है, प्रमोशन भी मार्केटिंग का फंक्शन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है और ट्रांसपोर्टिंग भी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम किसके अंडर में इंपॉर्टेंस देखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, किस पॉइंट के अंडर में हम ये कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए और इंपॉर्टेंस देते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ऑप्शंस है ए मार्केटिंग, बी सेलिंग, सी प्रोडक्शन, डी सेलिंग एंड प्रोडक्शन। तो इसका आंसर है वो है ए मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग के अंडर में हम ये देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए और इसको इम्पोर्टेंस भी देते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं हमारे प्रोडक्ट से। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन है अंडर विच फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मिनिमम, किस फिलोसफी के अंडर में एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि जो हमारी कॉस्ट हो वो कम आए, मतलब कॉस्ट कम हो, प्रोडक्ट सही हो और कॉस्ट भी कम आए, ज़्यादा कॉस्ट ना लगे। तो ऑप्शंस है ए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डी सेलिंग। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कम होती जाए प्रोडक्ट की और उसके लिए हम एफर्ट्स भी लगाते हैं। अब आते हैं हम 13th क्वेश्चन पे। तो 13th क्वेश्चन है अंडर विच कॉन्सेप्ट द कंपनीज पुश फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट इन देयर एफर्ट्स फॉर मार्केटिंग, हम किस कॉन्सेप्ट के अंदर ये देखते हैं कि कंपनीज पुश करती हैं अपने खुद के बेटरमेंट के लिए, क्वालिटीज को बढ़ाती हैं उसके लिए एफर्ट्स लगाती हैं। तो ऑप्शंस हैं ए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डी सेलिंग। तो किस कॉन्सेप्ट के अंडर में, तो इसका आंसर है बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अपने बेटरमेंट के लिए स्टेप्स उठाती हैं और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को ये बढ़ाने की पूरी कोशिश करती हैं और उसमें एफर्ट्स भी लगाते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो वो बेटर हो लेकिन उसमें कॉस्ट भी कम आए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स,
इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का फैक्टर है? Which of the following is a factor of marketing mix? तो ऑप्शंस देखते हैं, ए प्रोडक्ट, बी प्राइस, सी प्रमोशन एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही पार्ट है मार्केटिंग मिक्स के, ए प्रोडक्ट भी और बी प्राइस भी और सी प्रमोशन, ये तीनों पार्ट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो इसका आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। डैश इज कंपल्सरी फॉर एडवर्टाइजमेंट, इनमें से क्या कंपल्सरी है एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइज करने के लिए? तो ऑप्शंस हैं, ए एक्सपेंडिचर, बी एफर्ट्स, सी बोथ द अबव एंड डी टेलीविजन और टीवी। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा सी बोथ द अबव, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी जरूरी है और एफर्ट्स भी। खुद के जब तक एफर्ट्स नहीं होंगे और कुछ हमारे पास कैश नहीं होगा तब तक हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक्सपेंडिचर और एफर्ट्स दोनों ही जरूरी होते हैं। 16 क्वेश्चन है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अलोन कैन इंश्योर द सक्सेस, विच कॉन्सेप्ट होल्ड दिस पॉइंट। तो जो इसका इसमें पॉइंट में कहा गया है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट के अंदर, हम ये कहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस को तय कर देती है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं। तो ऑप्शन है, ए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डी सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा वो होगा सी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस को तय कर देती है। अब आते हैं 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डनलप, जो डनलप है वो किसका एग्जांपल है? ऑप्शंस हैं, ए ब्रांडिंग, बी ब्रांड, सी ब्रांड नेम, डी ब्रांड मार्क। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी ब्रांड नेम, क्योंकि एक जो डनलप है वो एक ब्रांड का नेम होता है जिसमें आपने बहुत नाम सुने होंगे, डनलप के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आते हैं 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम का ट्यूब है वो किस चीज़ का एग्जांपल है? तो ऑप्शन है, ए प्राइमरी पैकेजिंग, बी सेकेंडरी पैकेजिंग, सी ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग एंड डी नन ऑफ एवर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी पैकेजिंग, क्योंकि जो शेविंग क्रीम होती है वो एक शेविंग क्रीम एक प्रोडक्ट का नाम है, तो ये ऑप्शन क्या होगा इसका, ये प्राइमरी पैकेजिंग है। जो भी क्रीम की जो कंपनी होगी, जो ब्रांड का नेम होगा, वो उसका होगा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। तो ये जो शेविंग क्रीम है, ट्यूब है उसका, वो प्राइमरी पैकेजिंग है, किसी चीज़ के अंदर पैक हो जाता है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मार्केटिंग, इनमें से कौन सा मार्केटिंग का फीचर है? तो ऑप्शन है, ए नीड्स एंड वॉन्ट, बी कस्टमर वैल्यू, सी एक्सचेंज मैकेनिज्म एंड डी ऑल ऑफ एवर। तो जो मार्केटिंग के फीचर्स हैं वो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एवर, क्योंकि ये तीनों ही मार्केटिंग के फीचर्स हैं। ऑप्शन ए नीड्स एंड वॉन्ट्स, कस्टमर वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये तीनों ही मार्केटिंग के फीचर्स होते हैं। अब आते हैं 20 क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्राइस मिक्स, बी सेलिंग कॉन्सेप्ट, सी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्राइस मिक्स, क्योंकि प्राइस मिक्स है वो एलिमेंट है, और ये सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये मार्केटिंग की फिलॉसफीज होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्राइस मिक्स। और आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।